फ्रेंड्स एवरीबडी हाउ आर यू, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टाइम वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर द रेशो एंड फाइंड द रिप्रेजेंट इक्वेशन इंटरसेक्ट ए पॉइंट आर पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट। ओके, एंड इस इन वीडियो वी डिस्कस थर्ड क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, वी यू नो टू इक्वेशन आर हियर, यहाँ पे दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वन इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, वन तो हो सकता है इंटरसेक्ट ईच अदर, सेकंड इज पैरेलल लाइन एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट। ठीक है, सो फाइंड द वन सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन, तो सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। ओके, मतलब कि अगर हम पैरेलल लाइन यहाँ पे इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं और उनका अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन आता है मतलब पैरेलल लाइन का ग्राफ आता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, लुक एट एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट इज हियर, 2x-3y = 8 एंड 4x-6y = 9। ओके, सो फर्स्टली वी चेंज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म इज a1x + b1y + c1 = 0, मतलब कि c1 के इक्वल 0 रहेगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो c1 आपका लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पे जो लास्ट में वो 0 नहीं है, 8 है, तो हम इस 8 को इधर लेके आए। तो हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे इक्वेशन को, तो वी राइट द 2x-3y = 8, 2x-3y एंड 8 कम टू लेफ्ट साइड, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव -8 = 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन आगे, 4x-6y = 9, सो 9 कम टू लेफ्ट साइड, सो नेगेटिव, सो -9 = 0। सो इक्वेशन 1 इज हियर, इक्वेशन 2 इज हियर, कंपेयर विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ओके, सो हियर a1 इज 2 बिकॉज कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x, कोफिशियंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन 2, सो a1 2, कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन y -3, सो -3 एंड c1 इज -8। ओके, अगर माइनस होगा तो उसको नंबर के साथ लेना है -8। नेक्स्ट a2 = 4, b2 = -6, c2 = -9। ओके, c2 = -9, हियर इट इज 9 -9। ओके, एंड नेक्स्ट वी फाइंड द a1 upon a2, 2/4, a1 इज 2 एंड a2 is 4, सो 2/4 एंड कट, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो 1/2 इज हियर, अकॉर्डिंग टू हियर -3/-6, सो -2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज हियर एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 8/9 इज हियर। ओके, सेम हमने यहाँ देखा कि 1/2 इज a1 upon a2, 1/2 इज b1 upon b2, सो a1 upon a2 और b1 upon b2 आर इक्वल। ओके, बट c1 upon c2 नॉट इक्वल। ओके, तो a1 upon a2 b1 upon b2 का इक्वल है लेकिन c वाले इक्वल नहीं है, तो ये जो पैटर्न होता है, ये जो केस होता है, ये होता है नो सॉल्यूशन के लिए। ओके, मतलब कि पैरेलल लाइन का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइन बनेगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्यूशन है, मतलब ये जो रेशो का कंपैरिजन है, अगर दो इक्वल आते हैं स्टार्टिंग और लास्ट इक्वल नहीं आता है तो वहाँ पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर, देयरफॉर पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। सो दस
इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइन है मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और यहाँ पे जब नो सॉल्यूशन होता है या पैरेलल लाइन का ग्राफ बनता है तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो इनकंसिस्टेंट है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, जब इस तरह का रेशो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लुक एट थर्ड क्वेश्चन इन बुक। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, सो क्वेश्चन जो पहले से चेंज मतलब जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है, इक्वल के उधर 0 है और इधर नंबर है, नंबर हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। तो माइनस 7 इज लेफ्ट साइड एंड इक्वल टू 0 एंड माइनस 14 इज लेफ्ट साइड एंड इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। ओके, सो कंपेयर विद द जनरल फॉर्म मीन्स x1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट वी कंपेयर आफ्टर कंपेरिजन a1 वैल्यू ऑफ a1 3/2। ओके, b1 5/3 एंड c1 माइनस 7। ओके, माइनस गो टू विथ नंबर एंड a2 इज 9 चेक फॉर सेकेंड इक्वेशन एंड b2 इज माइनस 10 एंड c2 इज माइनस 14। ओके, आफ्टर वैल्यू वी फाइंड द रेशो a1 अपॉन a2 मीन्स 3/2 इज a1 एंड अपॉन 9 इज a2। ओके, सो 9 अपॉन वी राइट 1 बिकॉज रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर सॉल्व करने के लिए रेशनल नंबर के अपॉन में रेशनल नंबर बनाते हैं, तो अपॉन में हम 1 लिखेंगे। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ऊपर वाला जो रेशनल नंबर है वो तो सेम आएगा और नीचे वाला क्या है डिवाइड में। और आपको पता है जब डिवाइड में जब दो रेशनल नंबर होते हैं तो बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये 9/1 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1/9। 3 × 3 = 9। सो 1 1 1 1 1 वन में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 का 3 से होगा तो 6। 1/6 इज हियर। ओके, नेक्स्ट हियर b1 अपॉन b2। ओके, सो b1 वैल्यू इज 5/3 एंड b2 इज -10। सो वी राइट अपॉन 1 एंड अगेन 5/3 एंड इट इज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या है, यहाँ पे 10 जो होगा वो माइनस में जाता है, तो 10 को माइनस ना लेते हो, माइनस को हम ऊपर ले सकते हैं, मतलब माइनस को वहीं रखा, केवल हमने नंबर को रेसिप्रोकल किया है तो माइनस तो ऊपर ही रहा। बस ये 10/1 है तो ये क्या हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, सो माइनस 1 5 से कट किया 10 को तो 5 × 5। ओके, एंड 5 × 2 = 10 हियर 5 × 2 = 10। सो -1 and 1 -1 एंड 3 × 2 = 6। ओके, नेक्स्ट वी फाइंड द c1 upon c2 से -7/-14 माइनस माइनस कैंसिल। सो नेक्स्ट टाइम 7 × 7 = 14 सो 1/2 हियर वी नो दैट a1 upon a2 वैल्यू इज 1/6, b1 upon b2 इज वैल्यू इज -1/6। सो फर्स्ट टू रेशो नॉट इक्वल। ओके, पहले दो रेशो वो क्या है इक्वल नहीं है, तो थर्ड को कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पहले दो इक्वल होंगे तभी तो तीसरा देखेंगे, तो फर्स्ट टू आर नॉट इक्वल। ओके, तो लिखते हैं हम, सो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ओके, तो राइट द आंसर, देयर फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इट मीन्स सिंगल सोल्यूशन। ओके, तो जब भी पेयर फर्स्ट और सेकंड पेयर इक्वल नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन है मतलब यहाँ पे जो लाइन होगा वो क्या होगा इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा। ओके, तो यूनिक सोल्यूशन सो लाइन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंट होगी यहाँ पे इक्वेशन, तो ये आप यूनिक सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर आप ये भी लिख सकते हो आंसर में, देयर फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो द इक्वेशन आर कंसिस्टेंस। ग्राफ क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर,
5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड नेक्स्ट इज माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22. ओके सो फर्स्टली वी कन्वर्ट इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. सो 11 कम टू लेफ्ट साइड इन पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके सो हियर माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वल टू माइनस 22. सो कम टू लेफ्ट साइड सो पॉजिटिव सो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0. सो इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. ओके सो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. सो a1 इक्वल टू 5 एंड b1 इक्वल टू माइनस 3 क्योंकि बिकॉज माइनस इज हियर एंड माइनस 11 इज c1 माइनस 10 इज a2 b2 is 6 and c2 is 22. Okay, we find the a1 upon a2 ratio. So 5 by minus 10 minus go to in top side क्योंकि denominator कभी भी minus में नहीं रहता तो उसको हमें ऊपर ले जाना है. तो ऊपर ले गए तो 5 by 2 और 5 मतलब 5 by 10 सो इसको हमने कट किया तो minus 1 by 2. इसी तरीके से 1 by b1 upon b2 है तो यहाँ पे minus 3 by 6 है. इसको कट करेंगे 3 से तो आंसर आएगा minus 1 by 2. इसी तरह से c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22 सो कट करेंगे तो माइनस 1/2. ओके सो हियर ऑल द रेशो आर इक्वल. यहाँ पे सारे रेशो इक्वल है सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो जब तीनों ही इक्वल है तो वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे. तो जब मेनी सोल्यूशन होंगे तो आंसर लिखेंगे देयर फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन आर को इंसिडेंट लाइन वैन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो यहाँ पे को इंसिडेंट लाइन का मतलब ही होता है मेनी सोल्यूशन होंगे. ठीक है तो यहाँ पे कंसिस्टेंट कब होगा इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंट कब होगा. तो कंसिस्टेंट होगा जब आपका या तो वन सोल्यूशन आ जाए या फिर मेनी सोल्यूशन आ जाए. तो मेनी भी आ जाए या वन भी आ जाए तो कंसिस्टेंट है. और अगर नो सोल्यूशन आए तो इनकंसिस्टेंट है. ओके तो आपको याद रखना है कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है. और अगर सोल्यूशन आता है चाहे वो वन आए या मेनी आए तो कंसिस्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स तो हमने तीनों तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं. एक मेनी के लिए किया था फर्स्ट वाला तो नो सॉल्यूशन के लिए किया था पैरेलल लाइन का जिसमें इनकंसिस्टेंट आया. उसके बाद के दो क्वेश्चन में हमने कंसिस्टेंट किया यूनिक सॉल्यूशन और ये वाला था मेनी सॉल्यूशन वाला. ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली. ओके मतलब सबसे पहले तो हमें इसमें क्वेश्चन में थर्ड वाला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो बताना है. अगर कंसिस्टेंट आंसर आता है तो उसके बाद उसको और आगे सॉल्व करना है और सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से. ओके तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर x प्लस y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. ओके तो फर्स्टली वी कन्वर्ट इक्वेशन इन जनरल फॉर्म. ओके सो 5 कम टू लेफ्ट साइड सो पॉजिटिव टू नेगेटिव सो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड अगेन नेक्स्ट इक्वेशन 10 कम टू लेफ्ट साइड सो पॉजिटिव सो नेगेटिव सो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके सो a1 इज 1 फर्स्ट इक्वेशन a2 इज 1 फर्स्ट इक्वेशन है c1 इक्वल टू 5 बिकॉज x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है. जब कोई भी नहीं होता है कोई भी नंबर नहीं होता है तो वहाँ पे 1 लेते हैं. तो यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 हमें कोफिशिएंट लेना पड़ेगा. a2 की वैल्यू क्या है 2 b2 की 2 और c2 इज माइनस 10. ओके आफ्टर वैल्यू वी फाइंड द रेशो a1 अपॉन a2 मतलब 1/2 b1 अपॉन b2 मीन्स 1/2 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 5 बाय माइनस 10 सो माइनस टू माइनस कैंसिल 5 1 5 5 2 10 सो 1/2 इज हियर. सो ऑल द 3 रेशो आर इक्वल. ओके तो यहाँ पे सारे रेशो इक्वल हैं.
तो हम देखते हैं आंसर। ए वन अपन ए टू, बी वन अपन बी टू एंड सी वन अपन सी टू, ऑल थ्री रेशो आर इक्वल। सो देयर फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब कि एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन बनाएंगे दोनों, एक ही लाइन पर, जैसे जैसे आपकी ये लाइन है फर्स्ट, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, दोनों मिलकर एक ही लाइन बनाएंगे, तो वो होंगे कोइंसिडेंट लाइन प्रेजेंट करते हैं। तो लाइन लीनियर इक्वेशन कौन सी लाइन बताते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बताते हैं। सो इक्वेशन है आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब मेनी सॉल्यूशन आए। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक पॉइंट पे करते तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन सारे पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि दोनों मिलकर एक ही लाइन बन रही है, तो मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट वाला, और आंसर लिखकर आप जब जानते हैं कंसिस्टेंट होगा तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन वन, बाय इक्वेशन वन, तो एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन ही है। फर्स्ट पॉइंट लेट एक्स इक्वल टू जीरो, हम कुछ भी ले सकते हैं, थ्री पॉइंट से ग्राफ बनता है, तो हमने एक्स इक्वल टू जीरो लिया। सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो जीरो प्लस वाई माइनस फाइव एंड वाई, फाइव गो टू अदर साइड, सो वाई इक्वल टू फाइव माइनस, सो उससे उधर जाके प्लस बनेगा राइट साइड में, तो वाई इक्वल टू फाइव। सेकेंड पॉइंट इज लेट एक्स इक्वल टू टू, सो पुट द वैल्यू एक्स, टू प्लस वाई माइनस फाइव, सो वन नंबर इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, सो वी सब्ट्रैक्ट देम, सो फाइव माइनस टू मीन्स थ्री एंड ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो माइनस थ्री, माइनस थ्री गो टू अदर साइड, सो पॉजिटिव, सो वाई इक्वल टू थ्री। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज हियर वी लेट द एक्स इक्वल टू फाइव, पुट द वैल्यू एक्स फाइव, फाइव कट बाय फाइव, सो फाइव से फाइव कट होगा तो वाई की वैल्यू क्या आई, जीरो। तो ड्रॉ द नंबर टेबल नंबर वन, एक्स एंड वाई, सो एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई फाइव वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू टू है तो वाई की वैल्यू थ्री आई है, और एक्स की वैल्यू हमने जब फाइव ली तो वाई की वैल्यू जीरो आई है, तो ये हमारी टेबल वन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम टेबल टू बनाते हैं इक्वेशन टू से, फॉर इक्वेशन टू, फॉर इक्वेशन टू, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, सो फर्स्टली लेट एक्स इक्वल टू वन, ओके, तो पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू वन, सो टू इंटू वन, टू वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, सो टू प्लस टू वाई माइनस टेन, सो टू एंड माइनस टेन, तो सब्ट्रैक्ट देम, सो एट एंड ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो माइनस एट, एट गो टू अदर साइड, सो पॉजिटिव एट एंड टू गो टू अप साइड, अपर में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो टू से एट कैंसिल होगा तो वाई इक्वल टू फोर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू हमने टू ली है, सो एक्स टू इंटू टू फोर, टू वाई माइनस टेन एंड टू वाई, सो फोर एंड टेन माइनस सिक्स, ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो सिक्स गो टू अदर साइड इज पॉजिटिव, सो टू गो टू अप साइड, अपन में आएगा और टू से कैंसिल होगा तो वाई इक्वल टू थ्री। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट थर्ड हियर, थर्ड वाई एक्स इक्वल टू फाइव, ओके, सो टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टेन, सो पुट द वैल्यू एक्स, टू इंटू फाइव, सो टेन प्लस टू वाई प्लस माइनस टेन, माइनस एंड प्लस टेन गो कट बाय, ओके, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो वाई टू वाई इक्वल टू जीरो एंड टू गो टू अपॉन जीरो अपॉन टू एंड वी नो डेट, अगर कोई भी नंबर नीचे होता है तो उसका आंसर जीरो आएगा, तो वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे वन के लिए फोर आई है y की वैल्यू, टू के लिए थ्री आई और फाइव के लिए हमारी y की वैल्यू जीरो आई, तो ये हमने टेबल टू बना ली जो वैल्यू फाइंड की उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जब भी आपका ग्राफ अगर कॉन्सिडेंट हो तो वहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं, मतलब कॉमन सॉल्यूशन जो हमने पहले बात की थी ना कि जब हमारे ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं तो कॉमन सॉल्यूशन निकालते, तो यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं क्योंकि तीनों रेशो इक्वल आए हैं, तो तीनों रेशो इक्वल आए तो उसमें आप कोई से भी पॉइंट लेके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ए पॉइंट जो था वो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू फाइव थी, तो यहाँ पे ए पॉइंट आया, एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू फाइव,
तो सबसे पहले तो आपको पता है ग्राफ में क्या करना है। ग्राफ में एक एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद एक्सिस वाई एक्सिस आप बना लेते हो तो उसके बाद नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग यहाँ पे हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्स की भी 5 है और वाई की भी 5 है। दोनों इक्वेशन में टेबल आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा 5 है और वाई की वैल्यू भी 5 है। तो 1 यूनिट किसके ले सकते हैं, तो हमने 1 बिग बॉक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया एंड वो ऑन बोथ द एक्सिस कर लिया है। तो यहाँ पे 1 यूनिट वाई एक्सिस के लिए हमने स्केल लिए और 1 यूनिट एक्स के लिए लिए। तो नंबरिंग करने के बाद प्लॉट करेंगे पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एक्स की वैल्यू 0 के लिए वाई की वैल्यू 5 आई थी तो आपका ए पॉइंट आ गया। फिर टेबल 1 में दूसरा पॉइंट क्या था, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है तो आपका बी पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई की वैल्यू 0 तो ये सी पॉइंट आ गया। फिर हमने इस ए बी सी पॉइंट को जो कनेक्ट किया तो हमारी लाइन आ गई। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू का आंसर आया 4 तो प्लॉट पी पॉइंट कर दिया। उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 के लिए पॉइंट मतलब वही वाई की वैल्यू 3 आई थी तो प्लॉट बी जो है वही क्यू बताएगा। उसके बाद सी पॉइंट पे हमने सेकेंड इक्वेशन पे भी एक्स की वैल्यू 5 के लिए वाई की वैल्यू 0 थी तो वही आर बताएगा। तो पी क्यू आर को ज्वाइन करेंगे तो वही लाइन, तो दोनों लाइन एक ही लाइन को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो ये हमारा ग्राफ हो गया है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अब हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे देयर फॉर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन्स विच ओवरलैप ईच अदर ओके एंड इट हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सोल्यूशन आर सोल्यूशन लिख सकते हैं हम, तीन चार सोल्यूशन लिखना है। तो जैसे एक्स की वैल्यू 5 थी तो वाई की वैल्यू 0 तो 5 0, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है तो 2 3 1 4 और जितने भी पॉइंट आए वो सारे पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो इनफाइनाइट मेनी। डेट कर दिया है हमने तो ये आपका उस ग्राफ का हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप इनकंसिस्टेंट प्रूफ कर देंगे जो हमने पहले इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन में कंसिस्टेंट आएगा, यूनिक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन हमने किया था कंसिस्टेंट वाला, थर्ड क्वेश्चन उसी तरह का है वो आपको करना है। और उसका जो ग्राफिकल मेथड है वो आपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ आता है तो वो आपको करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन वापस से इनकंसिस्टेंट वाला है ना, नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल लाइन के लिए वो आपको करना है। तो